अरहर एक ऐसी फसल है जिसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं और रोग भी लगते हैं। तो इन कीटों में सबसे महत्वपूर्ण है मरूका विट्रियाटा। ये मरूका क्या करता है कि कलियों को गुच्छा बना के उनको खा जाता है, और पहला फ्लश जो फूलों का है वो पूरा डैमेज कर सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम क्लोरेंथ्रा नीली प्रोल एक दवा है, इसका करीब 0.4 से 0.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे करना जरूरी है। ये तब करना है जब कलियां हरी हों, और इस स्प्रे को यदि हम मिस करेंगे तो फिर ये मरूका कीड़ा कई गुना अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इसके बाद जो आता है फूल खिलने पर, एक आता है ब्लिस्टर बीटल कीड़ा, और ये सारे फूल खा जाता है। तो इसका नियंत्रण के लिए एक डेल्टा मिथ्रिन है, डेल्टा मिथ्रिन कीटनाशक है, इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर एक एमामेक्टिन बेंजोएट है 5%, इसका करीब 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिला के यदि जरूरत पड़ी तो इसका स्प्रे किया जा सकता है। अरहर में जो रोग लगते हैं उनमें तीन रोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है फाइटोप्थोरा ब्लाइट, एक है स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज, और एक है फ्यूजेरियम विल्ट। तो फ्यूजेरियम विल्ट और जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट है, इसके लिए तो सीड ट्रीटमेंट जो हमने बताई है वही अच्छा तरीका है, और बाकी मैनेजमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक डाइकोफॉल है, उसका 0.1% का स्प्रे हम कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या उसके अलावा एक प्रॉपर गाइट है, ये करीब 25 दिन बिजाई के बाद 0.1% का स्प्रे करके फिर 45 दिन पर दोबारा इसको इसी का स्प्रे यानी प्रॉपर गाइट का स्प्रे 0.01% ये दोबारा किया जा सकता है। और इन दो स्प्रे के बाद फिर डाइकोफॉल का 0.1% का स्प्रे किया जा सकता है इन दोनों के बाद यदि जरूरत हो तो। तो ये जो स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज है ये अब इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इन पूरी अरहर की जो खेती है इसमें कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है कि खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए, और जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। दूसरा बिंदु है खरपतवार का सही नियंत्रण। सही नियंत्रण मतलब पेंडीमिथेलिन का स्प्रे बोने के तुरंत बाद, 12 से 13 दिन के बाद यदि जरूरत हो तो इमीज़ाथाप्रायर का स्प्रे, 25 से 45 दिन के बाद यदि कुछ खरपतवार बचे तो वो हाथ द्वारा निकाले जा सकते हैं, किसी औजार के द्वारा कसौले से या खुरपी से निकाले जा सकते हैं। और इसके बाद जब फसल करीब 80 से 85% इसकी फलियां पक जाएं तब आप फसल को काट सकते हैं। पूसा अरहर 16 के यदि किस्म है तो इसको कंबाइन द्वारा भी काटा जा सकता है और खेत को खाली किया जा